पांचवें चरण का मतदान आज सुबह 7 बजे से शुरू हो गया है। कौशाम्बी में कुल 5 विधानसभाएं हैं, जिसमें प्रतापगढ़ जनपद के कुंडा और बाबागंज विधानसभा भी कौशाम्बी में शामिल है। बता दें, प्रतापगढ़ के दोनों विधानसभाओं का मतदान 6वें चरण में शुरू होना है। वहीं 5वें चरण में कौशाम्बी के सिर्फ 3 विधानसभाएं ही शामिल हैं, जिसमें चायल, सिद्धराथु और मंझनपुर विधानसभाओं में मतदान हो रहा है। हमारे जनपद में कुल 1213 बूथ हैं और प्रत्येक बूथ पे 4 कर्मचारी जो हमारे पोलिंग पर्सन लगते हैं, वो कल पार्टी रवाना हो रही थी तभी पहुँच गए थे। आज सवेरे से ही हम लोग 5 बजे से लगातार उनके संपर्क में हैं और मॉक पोल अपने निर्धारित समय 6 बजे से शुरू हो गया। कुछ जगहों पे कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आई, जैसे कहीं पे वीवीपैट का एरर या कहीं जगह बैलेट यूनिट की प्रॉब्लम, तो हमारे जो भी सेक्टर मजिस्ट्रेट थे और जो मास्टर ट्रेनर हम लोगों ने तैनात किए थे, बहुत ही जल्दी उनको रिप्लेस करके और मॉक पोल शुरू करा दिया गया है। हर जगह पे मॉक पोल लगभग हमारा समाप्त हो गया और 7 बज चुके हैं। अब अधिकतम जगहों से सूचना आ रही है कि वहाँ पे मतदान शुरू हो गया। मैंने स्वयं भी यहाँ पे एक मतदान केंद्र पर मतदान किया है। सुरक्षा को लेके हम लोगों ने पूरे व्यापक इंतजाम किए हैं, बूथ के अंदर भी और बाहर की भी। लॉ एंड ऑर्डर के लिए पर्याप्त मात्रा में पैरामिलिट्री फोर्सेज और ड्रोन कैमरे, वीडियो कैमरे, वेब कैमरे और माइक्रो ऑब्जर्वर की तैनाती की गई, जिससे कि एक निष्पक्ष और भयमुक्त वातावरण में हमारा चुनाव संपन्न हो सके। और आपने भी वोट किया है, किन मुद्दों को दिमाग में रख करके वोट किया है, क्या कुछ विचार थे आपको वोट करके? नहीं, एक नागरिक के रूप में मेरा अधिकार है मतदान का, तो उस अधिकार का मैंने प्रयोग किया है। सबसे पहले मैंने करके क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं, किस तरह की व्यवस्थाएं की जाएंगी और कैसे पेट्रोलिंग की जा रही है? मतदान प्रारंभ हो चुका है और तो जो भी बूथ हैं उनको सुरक्षा के व्यापक इंतजाम हैं। सभी संवेदनशील और क्रिटिकल मतदान केंद्रों पे CPMF है। इसके अलावा हमारा सिविल पुलिस, होमगार्ड के जवान, PAC के लोग हैं। आप देख रहे हैं कि 7 बज चुका है, हम लोग स्वयं भ्रमणशील हैं। एक एक मतदान केंद्र पे हमारे सेक्टर मजिस्ट्रेट, सेक्टर पुलिस ऑफिसर, जोनल पुलिस ऑफिसर, CO, एडिशनल SP, हम लोग स्वयं जा रहे हैं और सुरक्षा व्यवस्था का आकलन कर रहे हैं। इसके अलावा जनपद में 25 स्थानों पे पिकेटिंग की व्यवस्था और 14 स्थानों पे क्वार्टर सीलिंग की व्यवस्था है। सब जगह पे गाड़ियों की चेकिंग हो रही है और विधिवत हम लोग शांतिपूर्ण ढंग से मतदान सम्पन्न करा रहे हैं। थैंक यू।